वेलकम टू स्टेपअप आईएएस करंट अफेयर्स डोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए फिर से शुरुआत करते हैं इस इम्पॉर्टेंट सेशन की, जहां पर हम लोग करंट अफेयर्स से जुड़े हुए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 56th सेशन है ये, 55th तक आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। जो लोग नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो इससे पुराने वाले क्वेश्चंस को ज़रूर देख लें। दिसंबर 26th-27th तक के जो करंट अफेयर्स हैं उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया था। अब हम फिर से इस प्रोसेस को शुरू कर रहे हैं, चूँकि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पास आ रहा है और ऐसे सेशंस होते रहने चाहिए। तो इसकी शुरुआत करते हैं, इसके बाद जल्द ही हम जीएस के सेशन पर भी हाजिर होंगे और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज के साथ। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स का डोज लेते हैं। और ये कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो यूपीएससी से जुड़ी हुई या फिर इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई। स्टेपअप आईएएस इस पूरे प्रोग्राम को प्रेजेंट करता है। अगर आप कोचिंग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहते हैं तो ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। आइए शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले सवाल से। और पहला सवाल है, वुमन बिजनेस एंड द लॉ, WBL 2020 इंडेक्स, वुमन बिजनेस एंड द लॉ इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो इस इंडेक्स को रिलीज करती है? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशंस वुमेन जिसको UN वुमेन भी कहा जाता है, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर आपको गेस करना है। ऐसे इंडेक्स ज़्यादातर हमें याद रखने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप गेस करेंगे तो आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? वुमेन बिजनेस एंड लॉ की यहाँ पर बात हो रही है, UN वुमेन भी आपको लग सकता है, बिजनेस एंड लॉ से जुड़ा हुआ इंडेक्स है, तो कौन सा हो सकता है? क्या इकोनॉमिक फोरम WEF इसके लिए कोई काम करता होगा? WTO को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रेड एंड सर्विसेज से जुड़े हुए जो बातें होती हैं उसके लिए WTO का काम देखा गया है। स्पेसिफिकली वुमन ओरिएंटेड कोई ऐसा प्रोग्राम WTO जनरली नहीं चलाती है, तो आप इसको डी को तो एलिमिनेट कर सकते हैं, बट आपको अगर चूज़ करना है ABC में तो आप किसको चूज़ करेंगे? चलिए गेस कीजिए आपके हिसाब से क्या होगा, फिर हम लोग आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर आंसर है वर्ल्ड बैंक। ABCD यहाँ पर गिवन नहीं है, आपको मैं यहीं से बता दे रही हूँ, आप वहाँ पर टिक कर लेंगे, ए इसका आंसर होगा, वर्ल्ड बैंक है। क्यों? क्योंकि ये अभी रिसेंटली पब्लिश हुआ है, वर्ल्ड वुमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स, और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए कि भारत का स्थान 117वां है, यानी कि 170th पोजिशन पर भारत है 190 देशों में। तो बहुत अच्छी स्थिति तो खैर नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ ठीक ठाक आप मान सकते हैं। इसमें भी हाईएस्ट टॉप स्कोरर नन अदर देन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, लातविया, लक्जमबर्ग और स्वीडन, ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां पर वुमन के लिए कॉम्पिटिटिव माहौल है, और वहां पर जो लॉ है, जो कानून है, पॉलिसीज़ हैं वुमन के फेवर में हैं, और ये 8 इकोनॉमीज़ हैं जो भी इसमें आगे बढ़ के काम कर रही हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं पैरामीटर्स की, जो ये पूरा इंडेक्स निकाला जाता है वुमेन बिजनेस एंड लॉ का, इसमें इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कितना दिया जाता है महिलाओं को, वुमेन को उनकी कंट्री में, और इस तरीके के टोटल 8 एरियाज हैं जिसको कवर करते हैं, पेरेंटहुड, इक्वालिटी ऑफ पे, और ये सब चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। इंडिया ने स्कोर किया है 74.4, वहीं कैनेडा, डेनमार्क वगैरह ने स्कोर किया है 100 out of 100। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है इस बार के लिए, ज़रूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोफोन्स, हाइड्रोफोन्स ऐसे ही वर्ड आपने और भी सुने होंगे, जैसे कि माइक्रोफोन्स, तो आप उससे गेस कर सकते हैं। कभी भी जब आपको कोई चीज़ ना आ रही हो, खास करके अगर हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो उस वर्ड पर रुकना ज़रूरी होता है। हाइड्रोफोन्स आप सोचिए कि ये क्या हो सकता है। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट गिवन है और आपको चूज करना है इसमें से सही। पहला है, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अकॉस्टिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है अकॉस्टिक एनर्जी में। दूसरा है, इट इज एन अंडर वाटर लिसनिंग डिवाइस, ये एक अंडर वाटर लिसनिंग डिवाइस है। तीसरा स्टेटमेंट है, हाइड्रोफोन्स लिसनिंग टू साउंड इन द सी बट डू नॉट ट्रांसमिट एनी साउंड,
ये सुन सकता है साउंड को सी में, लेकिन ट्रांसमिट नहीं करता किसी भी तरीके का साउंड। आपको गेस करना है सही कौन सा हो सकता है, क्या तीनों गलत हैं इसमें या फिर तीनों सही हैं, या आपको आपके हिसाब से अगर आप कोई एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करें या आप किसी एक स्टेटमेंट पर श्योर हों तो भी आप गेस करने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरा स्टेटमेंट है, इट इज़ एन अंडर वाटर लिसनिंग डिवाइस। आपको इतना तो क्लियर होगा कि ये हाइड्रोफोन्स है, तो हाइड्रो से हम ये गेस कर सकते हैं कि अंडर वाटर कोई भी चीज़ हो सकती है। और जैसे माइक्रोफोन्स का वर्क होता है, अगर हम उससे कंपेयर करेंगे तो हमें लग सकता है कि हाइड्रोफोन्स भी लिसनिंग डिवाइस की तरह काम कर सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट इस बेसिस पर आप सही मान सकते हैं। इसके बाद 1 और 3 में आपको चूज करना है कि सही कौन सा हो सकता है। तो आप गेस कीजिए आपके हिसाब से सही आंसर क्या होगा। 2 अगर एब्सोल्युटली करेक्ट है तब भी आप किस ऑप्शन पर जाएंगे, ए बी या फिर सी, क्योंकि डी आप इसको हटा सकते हैं क्योंकि उसमें डी 2 नहीं है, और ए बी सी तीनों ही ऑप्शंस में 2 गिवन है। तो आप कोई भी एक और ऑप्शन को आपको एलिमिनेट करना है या फिर उसको श्योर करना है और फिर आप आंसर को गेस कर सकते हैं, ट्रू फाइंड आउट करना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा 2 और 3 इसका सही आंसर है। आइए देखते हैं इसके बारे में डिटेल। हाइड्रोफोन एक अंडरवाटर लिसनिंग डिवाइस ही है, और ये क्या करता है, जिस तरीके से माइक्रोफोन का काम होता है एयर में साउंड को डिटेक्ट करना, वैसे ही वाटर में साउंड को डिटेक्ट करने का काम होगा हाइड्रोफोन्स का। ये एनर्जी तो कन्वर्ट करेगा, लेकिन अकोस्टिक एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। में जो है उसका आंसर यहाँ पर है, हाइड्रोफोन्स लिसन टू साउंड इन द सी बट डू नॉट ट्रांसमिट एनी साउंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इरावदी डॉल्फिन, देखिए इरावदी डॉल्फिन को लेकर के ही न्यूज़ में था ये हाइड्रोफोन, तो याद रखिएगा। लेकिन हम यहाँ पर क्वेश्चंस देख रहे हैं इरावदी डॉल्फिन के बारे में। 3 स्टेटमेंट गिवन है, इट इज़ नॉट अ ट्रू रिवर डॉल्फिन बट एन ओशनिक वन। ये रिवर डॉल्फिन नहीं कही जा सकती है, लेकिन ओशनिक डॉल्फिन आप इसको मान सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, दे आर फाउंड इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। तीसरा है कि IUCN की रेड लिस्ट में इट इज़ considered as an endangered। आपको बताना है करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है। अब इरावदी डॉल्फिन के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि फैक्चुअल स्टेटमेंट है, ये एंडेंजर्ड है, या आपको लगता है कोई और इसका सही आंसर होगा, वल्नरेबल या समथिंग एल्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। 3 ओनली, 1 और 3, 1, 2 और 3 या फिर 1 और 2, इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। इरावदी डॉल्फिन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, तो इसका आंसर सी होगा। ध्यान रखिए इसका आंसर सी होगा। इसके बारे में डिटेल इस स्लाइड पर आप देखिए। इरावदी डॉल्फिन जो है उसको ट्रू रिवर डॉल्फिन नहीं कहा जा सकता है, ये एक ओशनिक डॉल्फिन है। अभी चिल्का लेक में ये पाई जाती है। चिल्का लेक कहाँ पर है, चिल्का एक लगून है जो कि ओडिशा में है, और वहाँ पर चिल्का का अपना एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। उसको आपको याद होगा जब आप रामसार कन्वेंशन के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ पर आप लिस्टिंग के बारे में पढ़ते हैं तो आपको चिल्का लेक का भी नाम पढ़ना होता है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा गया था, हालांकि उसको बाहर कर दिया गया है, तो वहीं चिल्का लेक में एक सेंसस हुआ और ये हाइलाइट्स उसके दिखाए गए हैं। तो इसके बारे में बाकी जो स्टेटमेंट गिवन है वो बिल्कुल सही है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती हैं ये। और अभी टोटल 146 डॉल्फिन्स देखी गई हैं उस लगून में। GPS ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है इनको ढूंढने के लिए, इनका पता लगाने के लिए। तो ये बेसिक फैक्ट्स हैं। और 2019 के सेंसस में 113 डॉल्फिन थी, जबकि 2018 में 162 डॉल्फिन्स थी। तो अभी आप देखिए बीच में है, मतलब 146, थोड़ी सी संख्या में बढ़ोतरी हुई है जो कि अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। K4 मिसाइल से जुड़ा हुआ स्टेटमेंट आपको गेस करना है। 2 स्टेटमेंट गिवन है, इट इज़ अ न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल। क्या ये एक न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका कि स्ट्राइकिंग रेंज 3500 किलोमीटर का है। दूसरा स्टेटमेंट है, इट इज़ बींग डेवलप्ड बाय DRDO, K4 मिसाइल। करेक्ट बताना है K4 मिसाइल के बारे में। देखिए इसमें दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, सही या गलत। एब्सोल्युटली राइट स्टेटमेंट है, DRDO के द्वारा ही डेवलप किया गया है K4 मिसाइल को। यह है सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, K4 मिसाइल। प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हाल ही में टेस्ट किया गया है इसको,
तो याद रखिएगा न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है K4, जिसको कि DRDO ने बनाया है। और DRDO ने बनाने के बाद इसको ये डिप्लॉय करेंगे अरिहंत क्लास न्यूक्लियर सबमरीन को, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, यहाँ पर भी आपको स्टेटमेंट अलग दिया जा सकता है। अगले सवाल पर चलते हैं, इससे पहले ये इमेज देख लीजिए, K4 के बारे में है, किलर K4 क्या है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है, न्यूक्लियर कैपेबल है, याद रखिएगा, लाइटर एंड स्टिल देयर हैविंग बोथ क्रूज एंड बैलिस्टिक वेरिएंट्स, दोनों इसमें कैपेबिलिटीज हैं और इसका रेंज वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशनड हैं। 3500 किलोमीटर का इसका रेंज होगा, लेंथ 12 मीटर का है। इंपॉर्टेंट बातें जो है इसको आप यहाँ से पढ़ लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है ट्रू नेट एम टी बी, आपको इसमें गेस करना है चारों में से कौन सा सही होगा, न्यू क्लास ऑफ एंटीबायोटिक टू कॉम्बैट ड्रग रेजिस्टेंस, या फिर एक अर्थ जैसा एक्सोप्लैनेट, या फिर एक न्यू मॉलिक्यूलर टेस्ट टू डायग्नोसिस टीबी या एक मालवेयर, क्या हो सकता है ट्रू नेट एम टी बी, आप इसको गेस कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप इसको गेस कर सकते हैं। फटाफट बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। द राइट आंसर इज सी, ये आंसर क्या होगा, द राइट आंसर इज सी, एक मॉलिक्यूलर टेस्ट टू डायग्नोसिस टीबी, याद रखिएगा इसको गेस करना भी बहुत आसान था, इसके नाम में ही आपको दिख रहा है ट्रूनेट एम टी बी, तो टीबी से जुड़ा हुआ हो सकता है। इसके बारे में डिटेल आप यहाँ इस फैक्ट में देख सकते हैं, ये एक मशीन है इस तरीके का जो आप देख रहे हैं इमेज में, और WHO had mentioned that India made TrueNet MTB. TrueNet MTB को यही इंडिया में ही बनाया गया है, तो ये एक अच्छी बात है और इसलिए इम्पॉर्टेंट है, गोवा बेस्ड एक डायग्नोसिस्ट है जहाँ पर इसको डेवलप किया गया है TrueNet को, और इसका इस्तेमाल किया जाएगा इन्हीं टीबी का पता लगाने में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है ASER रिपोर्ट पर, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हमने एडिटोरियल डिस्कशन किया था, दो स्टेटमेंट गिवन है, गेस कीजिए सही कौन सा है, करेक्ट पूछा जा रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ये रिपोर्ट है दैट इज बेस्ड ऑन एनुअल सर्वे ऑन स्कूल अक्रॉस इंडिया, ठीक है, क्या ये इस पर बेस्ड है, ASER रिपोर्ट क्या इस पर बेस्ड है, एनुअल सर्वे ऑफ स्कूल अक्रॉस इंडिया पर बेस्ड है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इसमें अभी इस बार अर्ली ईयर ऑफ डाटा को कलेक्ट किया गया था जिसमें कि एज ग्रुप 4 to 8 ईयर का था, तो आपको फैक्ट्स याद आ गए होंगे। द राइट आंसर इज नॉट सी, इट्स बी, आंसर इसका बी होगा, पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर ASER रिपोर्ट जो है उसको एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन निकालती है, उसका नाम है प्रथम, और 2005 से ही इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया जा रहा है, इसमें जो बच्चे हैं उनके ओवरऑल डाटा का पता लगाया जाता है कि वो किस तरीके से उनकी प्री स्कूलिंग है, और बेसिकली इस बार का जो रिपोर्ट है वो 4 to 8 ईयर के बच्चों पर निकाला गया है ताकि ये पता लगा पाएं कि उनके जो प्री स्कूलिंग स्टेटस हैं वो कैसे हैं, किस तरीके से वो पढ़ाई कर रहे हैं, और ख़ास करके आंगनवाड़ी का क्या रोल है और कैसे उसको अच्छा किया जा सकता है, वो इस पूरे रिपोर्ट में बताया गया है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट एवर मॉडल स्पोर्ट विलेज कहाँ पर लॉन्च किया गया है, मॉडल स्पोर्ट्स विलेज इंडिया का पहला ये विलेज है, एंड द ऑप्शंस आर गुजरात, कर्नाटका, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश। अब आप गेस इसमें कर सकते हैं हरियाणा को, क्योंकि आपको ऐसा लग सकता है कि स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई चीज़ें हरियाणा में हो सकता है कि लॉन्च की गई हों, लेकिन द राइट आंसर इज डी, उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर है, और वहाँ पर ये मॉडल स्पोर्ट विलेज खोला गया है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ IMT इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी गाज़ियाबाद, इसके अंतर्गत ये पूरा आदर्श खेल ग्राम प्रोग्राम के तहत ये एक विलेज ओपन किया जाएगा यूपी में, तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रू कम्युनिटी पे बेस्ड, ब्रू कम्युनिटी के बारे में एडिटोरियल हमने देखा बहुत डिटेल में, पहला स्टेटमेंट है कि दे आर नोन एज रियांग एंड रिकोगनाइज एज PVTG, इसका फुल फॉर्म है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप त्रिपुरा में, इनको त्रिपुरा में PVTG का स्टेटस मिला हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट है अंडर द न्यू एग्रीमेंट द ब्रू रिफ्यूजीज वुड गेट ऑल द राइट्स दैट नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द स्टेट गेट, इसमें करेक्ट बताना है क्या त्रिपुरा में ये PVTG के अंतर्गत आते हैं, और दूसरा है कि इसमें अभी जो नया एग्रीमेंट हुआ है उसके तहत इनको सारे अधिकार दिए जाएंगे एज अ रेसिडेंट कहाँ पर, त्रिपुरा में, तो इसका सही आंसर है
सी, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है यहाँ पर। याद रखिएगा इसमें जो पीवीटीजी का कॉन्सेप्ट है वो त्रिपुरा में ही है सिर्फ, ऑप्शंस में मिजोरम या और स्टेट का नाम हो सकता है जो कि गलत होगा। ये सारी डिटेल है ब्रू ट्राइब्स के बारे में, हमने एक बार और डिस्कशन भी किया था, बट जिनको नहीं पता है वो प्लीज़ इसको नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए। ये त्रिपुरा, मिजोरम और असम, इन तीनों राज्य में रहते हैं, वहाँ के इंडिजिनस कम्युनिटी हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जल्द मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू, थैंक्स लॉट, कीप स्टडिंग, शेयर जरूर करें इस वीडियो को, तभी मोटिवेशन मिलेगा। थैंक